गुजरात सोमनाथ जूनागढ़ के भाजपा सांसद राजेश चुड़ासमा के द्वारा निवेदक पत्र दिया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को लेकर लिखित कार्रवाई एवं साथ ही कई समस्याओं को हल किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए निवेदक पत्र भेजा गया। संवाददाता मनोज चौहान, वेरावल, गुजरात। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री सत्यनारायण जतिया जी, माननीय सांसद, यहां से सात बार हम सांसद चुन के आए, सात बार सांसद चुन के आए। यहां के दोनों माननीय सांसद चिंतामणि जी और मनोहर उंतवाल जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती मीना विजय जोनवाल जी, माननीय महापौर, राज्य सरकार में मंत्री जैन साहब, राज्य सरकार में मंत्री विधायक मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, राजेश सोनकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी उज्जैन के सम्मान्य नागरिकगण, मीडिया के मेरे बंधु भाइयों और बहनों, वास्तव में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हाल ही में पिछले हफ्ते मैं प्रयागराज गया था एक कार्यक्रम के लिए और आज मेरा सौभाग्य बना के उज्जैन आऊं। तो मैं माननीय शिवराज जी को कह रहा था कि दो कुंभ तो मेरे इस हफ्ते में, इस महीने में हो गए, एक प्रयागराज हो आया, एक यहाँ आने का मुझे आपने मौका दे दिया। अब मुझे लगता है इलाहाबाद और उज्जैन के बाद नासिक पहुंचना पड़ेगा और फिर हरिद्वार जाके पुण्य हो जाएगा चारों कुंभ के स्थानों का। पर वास्तव में महाकाल की नगरी तो हम सबके लिए पावन नगरी है, हम सबके लिए सौभाग्य रहता है जब महाकाल के दर्शन हो जाएं। और एक प्रकार से ये तीर्थ स्थान ऐसा है कि शायद भारत का हर एक व्यक्ति चाहता है कि महाकाल में एक बार मेरे दर्शन हो जाएं। तो मुझे लगता है जो मांग उठी इस मंच से कि एक महाकाल एक्सप्रेस होनी चाहिए, वो शत प्रतिशत जायज मांग है। और मैंने जनरल मैनेजर साहब को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द एक महाकाल एक्सप्रेस नाम की ट्रेन शुरू होनी चाहिए, उज्जैन से शुरू होनी चाहिए। एक कल्पना उनके मन में है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति जी, सबका आज्ञा हो, एक कल्पना हो सकती है कि हम सोमनाथ से महाकाल को जोड़ दें। चिंतामणि जी बड़े लालची सांसद है आपके, ऐसा सांसद बड़ा तकलीफ देता है मंत्रियों को। जितनी बार चिंतामणि जी मेरे दफ्तर आके मेरा, मतलब ये नहीं कह सकता जीना आराम करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री वैसे ही बहुत कम समय देते हैं किसी को सोने के लिए, जो वो बचा कुचा समय होता है वो चिंतामणि जी ले जाते हैं और हमें बोलते हैं कि भाई उनको चिंता से मुक्त करना है तो आप चिंता अपने सिर पे ले लो। पर वास्तव में इतने कर्मठ सांसद
जो लगातार उज्जैन की चिंता करते हैं, उज्जैन के समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं, मैं समझता हूं आप सबका सौभाग्य है और हम सबका भी सौभाग्य है कि हमारे साथ संसद में इतने कर्मठ, इतने चिंता